आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज 25 जून का करंट अफेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, या फिर वो बैंक पीओ हो या फिर बैंक क्लर्क हो, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, हिंदी वर्सन में वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है, 25 जून इज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ सी फेरर। 25 जून को क्या मनाया जाता है, सी फेरर। और इस बार का थीम क्या है, सी फेरर मैटर्स, ठीक है। नंबर टू क्वेश्चन क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड टू पुर्तगाल इंडियन ओरिजिन पीएम एंटोनियो कोस्टा ड्यूरिंग हिज विजिट टू लिस्बन। पीएम एंटोनियो कोस्टा कौन है, पीएम है कहाँ के, पुर्तगाल के। और इनको क्या दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या दिया गया, ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिया गया है इंडिया का। और जब ये पीएम जी हमारे मोदी जी जब विजिट किए थे कहाँ पर, लिस्बन में, और लिस्बन क्या है, पुर्तगाल का कैपिटल है। नंबर थ्री क्वेश्चन, इंडियन रेलवे विल स्टार्ट द फाइनल लोकेशन ऑफ सर्वे ऑफ 498 किलोमीटर लॉन्ग बिलासपुर मनाली ले लाइन एट ले इन जम्मू कश्मीर दिस वीक। आपको पता होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक बन रहा है 498 किलोमीटर कहाँ पर, बिलासपुर मनाली ले, और ये जम्मू कश्मीर में है आपको पता होगा। और इस हफ्ते तक क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी सर्वे चल रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर, आधार नॉट वैलिड फॉर ट्रेवल टू नेपाल नेपाल एंड भूटान। हम होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने क्या बोला है कि आधार कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है ट्रेवल करने के लिए नेपाल और भूटान में। आप वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी जो आपके पास पासपोर्ट हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया होगा उसके हेल्प से भी क्या आप नेपाल भूटान में जा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मणिपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए, और उसका नाम क्या है, 181, ठीक है। सिक्स नंबर, 29.5 मिलियन पीपुल ग्लोबली सफर फ्रॉम ड्रग यूज डिसऑर्डर। 29.5 मिलियन लोग क्या है पीड़ित है नशीली पदार्थ से, ठीक है। और ऑपोइड्स द मोस्ट पावर होम मोस्ट हार्मफुल से वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट्स। और जो ऑपोइड्स है वो सबसे मतलब क्या है खतरनाक क्या है नशीली पदार्थ है जिससे बहुत सारे लोग क्या है पीड़ित है। और ये किसके अनुसार, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2017 के अनुसार। आप ये जरूर नाम याद रखना, ऑपोइड्स, ठीक है। सेवन नंबर, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला गया है बैडमिंटन में, पीवी सिंधु को। और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, इंडियन जूनियर हॉकी स्क्वाड को, ठीक है। और IDFC बैंक एलिवेट सुनील कक्कर एज अ MD एंड CEO फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, IDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। और ये क्या किया है, सुनील कक्कर को 3 साल के लिए और मतलब अभी तो थे, और क्या क्या है, MD और CEO बना दिए गए हैं, ठीक है। नाइन नंबर, चाइना हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक डिटेक्टर। चाइना ने क्या किया है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैग्नेटिक डिटेक्टर क्या बनाया है, इन्वेंशन किया है। वो क्या करेगा, विच कैन फाइंड हिडन मेटालिक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग मिनरल एंड सबमरीन। जो भी छुपे हुए पदार्थ है ना, उनको मिनरल हो या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट हो या फिर सब मेराइन हो, उसको खोजने में क्या हेल्प करेगा, क्या वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक डिटेक्टर, ठीक है। 10 नंबर, इंडियन किदांबी श्रीकांत ने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज का टाइटल जीत लिया है किदांबी श्रीकांत ने, ठीक है। 11 नंबर, हरियाणा अनीस बनवाला, हरियाणा अनीस बनवाला सेट अ जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल एट द ISS जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन जर्मनी टुडे। जो हरियाणा के रहने वाले हैं अनीस बनवाला, वो क्या जीते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, और वो गोल्ड मेडल जीते हैं किस चीज़ में, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में, ठीक है। और ये गेम कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था, तो आपको प्लेस भी याद रखना है, ठीक है। 12 नंबर, नायडू ने लॉन्च किया है कौन सा बुक, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, सूर्य प्रकाश, और ये सूर्य प्रकाश है कौन, चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। 13 नंबर, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एंटी इमरजेंसी डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि 25 और 26 जून को क्या मनाया जाएगा, एंटी इमरजेंसी डे, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू, और